दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंगलोर पे मेट्रो से किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह को। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं ट्रैवल करके मेट्रो पे आपको दिखाने वाला हूँ बैंगलोर पे किस तरह से आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ जर्नी शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीइंग यूनिटी यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अनवेश कुमार। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मेट्रो पे जाने के लिए आप कोई भी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाइए, उसके बाद आपको एंट्री ले लेना है। एंट्री पे आपको स्कैन बैग वगैरह करके एंट्री मिल जाएगा। अंदर आने के बाद आपको एक टिकट काउंटर देखने को मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से टिकट काउंटर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप पेटीएम इस्तेमाल करके भी टिकट बुक करवा सकते हैं, या दोस्तों आप डायरेक्टली काउंटर पे जाके उनको आपका डेस्टिनेशन पॉइंट बता के वहाँ से टिकट कलेक्ट कर लेना। टिकट कलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से एक प्लास्टिक कूपन जैसा देखने को मिलेगा, ये है टिकट मेट्रो का। इसे ध्यान से रखिएगा जब तक आप आपके डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन पर पहुँच ना जाए। यहाँ पे आपको लिफ्ट टू प्लेटफॉर्म पे जाना है। प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए आपको एंट्री गेट्स इस तरह से बोर्ड मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको स्कैन करने के बाद जो कूपन आपको मिला होगा आपको गेट ओपन हो जाएगा एंट्री गेट। उसके बाद आप एंट्री कर लेना मेट्रो स्टेशन पे। उसके बाद आपको आपके प्लेटफॉर्म के ओर जाना रहता है। ध्यान रहना दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होगा। आप जो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जैसे कि मैं व्हाइटफील्ड जा रहा हूँ, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है मैं उसको तलाश करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पे आपको मैप वगैरह पे भी देखने को मिल जाएगा, या दोस्तों आप सिक्योरिटी को भी पूछ सकते हैं आप जो डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं उसका स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो कौन सा है, कहाँ पे वो मेट्रो ट्रेन आने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप आपके प्लेटफॉर्म के और चले जाएँ। यहाँ पर जगह जगह पर आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, इसके मदद से भी दोस्तों आप आपका जो डेस्टिनेशन स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर है वो चूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। उसके बाद दोस्तों आप आपके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आराम से खड़े हो जाना, थोड़ी देर में आपका जो मेट्रो ट्रेन है वो आ जाएगा, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे आपको वेटिंग बोर्ड पे भी देखने को मिल जाएगा कितना टाइम रिमेनिंग है और कितने टाइम पे आपका मेट्रो ट्रेन आ जाएगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद देख सकते हैं जो मेट्रो ट्रेन है जिस पे मैं जाने वाला हूँ वो मेट्रो ट्रेन अभी आ चुका है। फिलहाल यहाँ पे इस ट्रेन पे मुझे जाना है व्हाइटफील्ड, और ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं ये मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका जो गेट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आप आराम से एंट्री ले लेना आपके जो मेट्रो ट्रेन पे, एंड आप काफ़ी कंफर्टेबली आप खड़े भी हो सकते हैं, या दोस्तों कोई सीट अगर अवेलेबल है वहाँ पर आराम से बैठ जाना। फिलहाल तो दोस्तों मुझे सीट मिल गया, मैं काफ़ी सही से यहाँ पर बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेट्रो ट्रेन पे आपको इस तरह से एक स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगा जो कि जगह जगह पे आपको डेस्टिनेशन नेक्स्ट स्टेशन के बारे में जानकारी देगा। आप मेट्रो ट्रेन पे बैठ के आप काफ़ी सही से व्यू का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लियर व्यू आता है बैंगलोर मेट्रो पे। डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने के बाद डोर अपने आप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे दोस्तों आपको कौन से साइड पे उतरना है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा, जैसे कि डोर विल ओपन लेफ्ट और राइट, ये सारे दोस्तों जानकारी आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा। उस हिसाब से आप स्टेशन पर उतर जाना, गेट उस हिसाब से ओपन होगा लेफ्ट या राइट, आप उस हिसाब से ट्रेन से उतर जाना ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेन पे उतरने के बाद ट्रेन से आपको एग्जिट गेट की ओर जाना रहता है। अगर दोस्तों आप प्लेटफॉर्म स्विच करना चाहते हैं इंटरनली आप उतर के भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मुझे मेरा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट गेट की ओर जाना रहता है, तो मैं एग्जिट गेट की ओर रवाना हो चुका हूँ। आप जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पे मेट्रो स्टेशन पे आपको एग्जिट का बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसी तरह अगर आपको लिफ्ट पे जाना है, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे जाना है, आपको दोबारा से पकड़ना है मेट्रो को, तो आप प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। मुझे एग्ज़िट करना है तो मुझे एग्ज़िट गेट की ओर जाना रहता है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो कूपन मिला होगा इस तरह से ड्रॉप कीजिए, डोर अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्ज़िट गेट के मदद से आप एग्ज़िट ले लेना। यहाँ पे आपको सेम प्लेटफॉर्म जो जाने के लिए टिकट काउंटर भी देखने को मिलेगा, आप चाहें तो टिकट करके दोबारा से जा सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ मेट्रो पे ट्रैवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आएँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना, ताकि नोटिफिकेशन पा सके हमारा हर न्यू वीडियो का। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bunity@gmail.com हमारा ईमेल आईडी
मेरे सोशल हैंडल्स पे फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें श्रेता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नया वीडियो लेकर। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी।